प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी में देर रात से तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई है। तो आपको बता दें, गर्मी से राहत जरूर मिली है, जल भराव परेशानी यहां पर बनता हुआ। यूपी में देर रात से तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन सड़कें लबालब भरी हुई हैं। तो आपको बता दें कि कई इलाकों में जल भराव की स्थिति से लोग परेशान हो रहे हैं। तो यहां पर प्रशासन का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो सड़क है वो बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से पोल खुलता हुआ, क्योंकि बारिश के लिए प्रशासन तैयार नहीं था। ये देखिए यूपी में झमाझम बारिश, बारिश के साथ आपको बता दें कि कई जगहों पर जो सड़क है पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं कि किसी कैसे ऑफिस निकला जाए, कैसे लोग चले इस सड़क पर। देखिए तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो यूपी में झमाझम बारिश हुई है, बारिश से गर्मी में राहत तो मिली है, लेकिन आपको बता दें कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ये चार तस्वीर भी आपके सामने है। आगरा से ये तस्वीर देखिए, आगरा की रोड जो है वो किस तरह से यहां पर सड़क जो है वो तालाब में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। गाजियाबाद की जो तस्वीर है कुछ इसी तरह बयां करता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा का भी तस्वीर देखिए, मुरादाबाद भी देखिए, ये चार जगह की तस्वीर आपके सामने है। गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई नजर आई है लोगों की, लेकिन आपको बता दें कि परेशानी कम नहीं हुई है। यहां पर लबालब ये सड़क भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई, लेकिन जल भराव परेशानी का सबब बना हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो कई जगहों पर बारिश से जल मग्न हो गया है रोड, देखिए गर्मी से राहत मिलने के बाद। लेकिन यहां पर ये चार तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करता हुआ पुलिस प्रशासन का, जिस तरह से पुलिस प्रशासन अपने आप में दावे करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से जो तस्वीर अपने आप में बयां कुछ करता हुआ कि किस तरह से यहां पर भारी जल भराव देखा जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए, नोएडा 62 की ये तस्वीर देखिए, किस तरह से पूरी तरह से जो सड़क है वो यहां पर तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी बढ़ गई है लोगों की, ऑफिस जाने में भारी परेशानी हो रही है, घर से लोग बाहर निकलने में भी सोच रहे हैं कि कैसे घर से बाहर निकला जाए, ऑफिस के लिए कैसे जाएं। तो देखिए तस्वीर किस तरह से पुलिस प्रशासन बिल्कुल आपको बता दे कि अलर्ट नहीं था कि, और ये देखिए नोएडा सेक्टर 95 की तस्वीर किस तरह से यहां पर गाड़ी रुक गई है पानी में। बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नहीं था। यहां पर बारिश का इंतजार तो हम करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं होता है कि किस तरह से पानी की निकासी की जाए, ताकि बारिश हो तो जो सड़क है वो तालाब में तब्दील ना हो। लेकिन कुछ तस्वीर है जो आपको बता दें कि सड़क जो है तालाब में तब्दील होता हुआ, जलमग्न होता हुआ, और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली और दूसरी बारिश है जिसमें लोगों को इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये आगरा की तस्वीर देखिए, किस तरह से यहां भी जो रोड है वो बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि पहली और दूसरी बारिश में इस तरह से अगर रोड जो है, सड़क जो है वो तालाब में अगर तब्दील हो जाएगा, तो अभी पूरी बरसात बाकी है। प्रशासन जिस तरह से दावा यहां पर करता है कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक है, निकासी की गई है पानी की, लेकिन ये तस्वीर तो अपने आप में कुछ और ही बयां करता हुआ। Thank you.
के साथ आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ेंगे और तमाम तरीके की जानकारी देंगे कि किन इलाकों में क्या कुछ तस्वीरें बयां करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले हमारे साथ लखनऊ से लाइव टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं, मेरठ से लाइव आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सरफराज अहमद जुड़ चुके हैं, संजीव भटनागर बुलंदशहर से लाइव जुड़ चुके हैं, लखनऊ का रुख करेंगे। टीएन मिश्रा जी, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें, क्या कुछ किस तरह से निकलकर के सामने आ रही है, मॉनसून ने दस्तक दे दी है, वहां पर क्या हलचल है? देखिए खुशबू, लखनऊ में तो अभी भी बारिश नहीं हो रही है, लखनऊ में अभी भी अच्छी खासी धूप निकली हुई है, 35 डिग्री टेम्परेचर है और एहसास 40 डिग्री का करा रहा लोगों को। तो लखनऊ के लोग लगातार जो है अभी गर्मी झेल रहे हैं और आसपास के जिलों में अयोध्या में रायबरेली में बारिश हुई, तो ये कुछ स्थिति है। लेकिन अभी जैसे आप भी बता रहे थे, पूरी जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ वहाँ सड़कें जलमग्न हैं और नाली से निकासी नहीं हो पा रही है। और ये सब तब है जब नगर विकास विभाग लगातार कह रहा है कि जो है हम नालियों की सफाई कर रहे हैं। 72 घंटे का नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने अलर्ट जारी किया है कि लगातार नालों और नालियों की सफाई होगी और इससे जो है कहीं जलभराव नहीं होगा। तो ये नगर विकास विभाग के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चा किए जाते हैं हर साल नालों की सफाई पे, लेकिन हकीकत क्या, जब बारिश होती है तो पता भ्रष्टाचार की पोल खुलती है, सड़कें लबालब जलमग्न हो जाती है। और बारिश के लिए प्रशासन तैयारी की बात तो करता है लेकिन हकीकत में अमल नहीं करता उस पर, और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिससे सबसे बड़ी समस्या आती है आम जनता को, उसको सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। जहां तक यूपी की बात है, पूरे यूपी में नगर विकास मंत्री ने जो है 72 घंटे का अलर्ट जारी किया कि 72 घंटे सारे नाले नालियां साफ कर दिए जाएंगे। लेकिन कल रात खुद नगर विकास मंत्री ए के शर्मा कई इलाकों में गए नगर आयुक्त जो है के साथ, और उन्होंने खुद देखा कि नालों की प्रॉपर सफाई नहीं हुई है, अफसरों को उन्होंने डांट फटकार भी लगाई। तो ये हालत राजधानी की है। आप तो बुलंदशहर, आगरा और जो है गाजियाबाद, नोएडा की बात जो कर रहे हैं तो वो एकदम सही से आगे बढ़ के होगी, क्योंकि वहां तो अफसर और निरंकुश हैं। जब लखनऊ जैसे शहर में स्थिति साफ क्लियर नहीं है तो बाहर क्या किया सकता है। तो सरकार की लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ रही है, और अभी टाइम है, अगर अभी नगर विकास विभाग नहीं चेता तो निश्चित है चाहे राजधानी हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आगरा हो, बड़े शहरों में जलभराव कोई नहीं रोक पाएगा और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जहां तक मौसम की बात आ गई, अभी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यूपी में मानसून तो आ गया है लेकिन लखनऊ और आसपास के जिलों में ये मानसून कल से प्रभावी होगा। लेकिन जहां तक जानकारी की बात है मौसम वैज्ञानिकों की, वो दावा तो करते हैं लेकिन वो भी दावे उनके खरे नहीं उतर रहे हैं। रीजन है, आज भी कहा गया था बूंदाबांदी होगी बारिश होल की, लेकिन कोई बौछार बूंदाबांदी लखनऊ के आसपास कहीं नहीं हुई। तो स्वाभाविक है कि जो कयास लगाए जाते हैं, जो लोग अनुमान लगाते हैं मौसम वैज्ञानिक, उतना सही अनुमान नहीं लग पाता है और जिससे आम जनता को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। जी, तो टीएन मिश्रा जी, लखनऊ वासियों के को इंतजार है कि बारिश वहां पर कब होगी। लेकिन अब चलेंगे सरफराज अहमद के पास। सरफराज, मेरठ की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है, मौसम कैसा बना हुआ है? देखिए, पिछले 3 महीने से लोग परेशान थे और उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी कड़ी में, जिस तरीके से मेरठ में गुरुवार सुबह बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली है और लोग जो है अपने काम से निकले हैं। जहाँ वो घरों में कैद थे, लेकिन इस तरीके से मौसम बदला है बारिश के बाद, तो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर उनको मिली है। आपको बता दें कि मेरठ में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि आज सुबह है, वो बादल छाए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है। आपको बता दें कि मेरठ के आसपास के जिलों में भी बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं जो मानसून है अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, तो ये एक अभी लोगों का इंतजार रहेगा। अगर बात करें व्यवस्था की, तो निश्चित तौर पर मेरठ में जगह जगह सड़कें जो है वो जलमग्न देखी गई थी और तमाम तरह के जो दावे थे उनकी भी पोल खुल गई है नगर पालिका और नगर निगम की, तो ये एक तो बड़ा चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर जो जो नगर निगम है उसको काम करना चाहिए, वरना जिस तरीके से मानसून दस्तक देने वाला है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे लोगों को सामने करने को मिल सकती है, क्योंकि जलमग्न के बाद जिस तरह से हादसे होते हैं तो वो भी तस्वीर अक्सर सामने आती रहती है। जी सरफराज, क्या वहाँ भी जो सड़कें हो तालाब में तब्दील हो गई है, कुछ ऐसी भी तस्वीरें वहाँ से निकल करके सामने आ रही है क्या मेरठ से? देखिए, मेरठ में भी इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है लेकिन जो सड़कें हैं वो काफी हद तक टूटी हुई है, तो उनमें निश्चित तौर पर जो बारिश होगी तो ये देखा जा सकता है कि वहाँ जल भराव और जलमग्न की स्थिति पैदा हो सकती है। जी, तो हमारा कहना ये है कि जो प्रशासन है उसको इस विषय पर जल्दी काम करना चाहिए। जी, ब्रिज किशोर शर्मा भी हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिज किशोर, आपको क्या नजर आ रहा है वहां पर? आगरा में भी बारिश हुई है, क्या वहां भी जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं क्या?
देखिए यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है। आगरा में पहली झमाझम बारिश हुई, उसके बाद आगरा के कई हिस्सों में सड़कें चल भराव की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि नगर निगम ने एक महीने पहले से ही दावे किए जा रहे थे कि कहीं भी सड़कों पर पानी नहीं उतरेगा, नालियों को साफ किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम के दावे थरे के दरे रह गए। वही व्यवस्थाओं की बात करें तो नगर निगम ने आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया था, लेकिन वो करोड़ों रुपया इस समय पानी की तरह बहता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि शहर की स्थिति इतनी बारिश से खराब हुई है कि जगह जगह जल भराव से लोगों को खासी की सतह का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो नगर निगम की व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई है, नगर निगम के जो दावे थे वो धराशायी हो गए हैं। संजीव भटनागर भी हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। संजीव भटनागर, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बुलंदशहर की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल बारिशात हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से जल भराव हो गया था, नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नगर पालिका के जो दावे थे कि जो बरसात के मौसम में जिस तरीके से सफाई की गई है वो कहीं ना कहीं दावे खोखले नजर आते हैं। बात की जाए तो आज सुबह 4 बजे से लगातार बुलंदशहर में बरसात हो रही है, काफी तेज से बरसात हो रही है और ये जो नगर पालिका की जो स्थिति है बिल्कुल खराब हो चुकी है। सड़कों पर गंदगी जमा है, नालों में गंदगी जमा है और कहीं पर भी जो उनके दावे थे लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति पर आ गई है। अब देख रहा है कि चूंकि अभी तक शुरुआत है बुलंदशहर में बरसात की और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मानसून ने अभी 2 दिन हुए दस्तक दी है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार बरसात होगी तो क्या हाल होगा वो आने वाले समय में वानगी पता चलेगी। ठीक है, लखनऊ जाना चाहेंगे टीएन मिश्रा जी के पास। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से चुनावी माहौल होता है, लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, हर पार्टी की ओर से बड़े बड़े यहाँ पर दावे होते हैं, लेकिन क्या लगता है कि करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी तस्वीरें इस तरह के निकल कर के सामने आती हैं, तो ये क्या संदेश जाता है जनता के बीच में? खुशबू एकदम सही करें, जैसे चुनावी समय बहुत बड़े बड़े बातें की गई थी कि जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार थी, यूपी में भाजपा की सरकार थी और कहा गया अगर जो नगर निगम में नगर निकाय में भाजपा की सरकार बनती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी और लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो एकदम लंदन जैसी सुविधाएं होंगी। तो ये दावे किए गए थे लखनऊ में भी और लखनऊ तमाम बड़े बड़े जिलों में यूपी के, ये भाजपा की तरफ से दावे किए गए। लेकिन इस समय तीनों सरकार भाजपा की है, तीनों जगह भाजपा सरकार, तीनों जगह अधिकारी भाजपा समर्थित ज्यादातर हैं, लेकिन जो हकीकत है वो इससे टोटल विपरीत है कि लखनऊ में 58 नाले अगर हैं तो 58 में से 24 नाले का काम हुआ होगा और बाकी नाले अभी बड़े नालों की सफाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। अब आप खुद सोचिए कि नालों की सफाई के लिए नगर विकास मंत्री अगर फील्ड में उतर रहे हैं तो इससे सहज अंदाजा लगा सकता है कि अफसरों ने कितना काम कराया होगा। नगर विकास मंत्री खुद एक एक नाला चेक कर रहे हैं जाकर के, कल रात को उन्होंने दौरा किया, आज भी शायद दौरा करने का प्रोग्राम है, तो इससे हकीकत में खुद मिश्रा जी मंत्री और नेता का दौरा भी जब होता है जब जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रुख करेंगे, एक बड़ी जानकारी आ रही है, इसी बीच हमीरपुर से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हमीरपुर में से आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। 2 चचेरे भाइयों सहित 3 की मौत की खबर मिली। सूचना पर पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बेहद दुखद खबर सामने आई है, आकाशीय बिजली गिरने से ये बड़ा हादसा पेश आ गया है। 2 चचेरे भाइयों सहित 3 की मौत की खबर है। हमीरपुर में ये बड़ा हादसा, सूचना पर पहुंची प्रशासन पुलिस की टीम, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी हमीरपुर से आपको दे रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से हमीरपुर में बड़ा हादसा पेश आया है। 2 चचेरे भाइयों सहित 3 की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से परिजन पूरी तरह से मायूस हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में काफी दुखद है। इससे पीछे एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आज जो सीएम योगी अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। खनन समेत कई विभागों के अफसर इस बैठक में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के घर पर 2 बजे ये बैठक होगी। ये बैठक कई मायनों में खास रहने वाली है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। खनन समेत कई विभागों के अफसर भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री के घर पर। आपको बता दें दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी
बैठक करने वाले हैं। खनन समेत कई विभागों के अफसर भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ इसमें मुद्दे रखे जाएंगे, किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है, तो आपको बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताकर ये बधाई दी गई है। सपा ऑफिस के पास के इलाकों में ये पोस्टर लगे हुए हैं, तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है, जन्मदिन के से पहले सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताकर ये बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। सपा ऑफिस के पास के इलाकों में ये पोस्टर लगे हैं, और अभी तस्वीर भी सामने आ गई है किस तरह से यहां पर पोस्टर, देखिए पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है। लगातार आपको बता दें कि जन्मदिन से पहले ये पोस्टर लगाए गए हैं, भावी प्रधानमंत्री बताकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, यहां पर एक तस्वीर निकल करके सामने आ रही है सपा कार्यालय के बाहर से, 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है, उससे पहले की ये तस्वीर उस पोस्टर में भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। देखिए ये तो कार्यकर्ताओं का जोश है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कभी इस तरह का दावा खुद नहीं किया जी। भले ही लोकसभा चुनाव में 37 सीटें वो जीत कर आए, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से उनकी मौजूदगी है वो एक गठबंधन और सहयोगी के तौर पर ही नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तब भी उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और किसी तरह का कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, यानी कि गठबंधन में वो अपने आप को सेकेंड नंबर की पार्टी के तौर पर ही देख रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का जोश हो सकता है, ये उनका लगाव हो सकता है कि वो पार्टी कार्यालय के बाहर इस तरह के पोस्टर लगा रहे हों, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की इच्छा जताई नहीं अखिलेश यादव ने, ना किसी रैली में और ना ही अपने किसी बयान में। फिलहाल 1 जुलाई को उनका बर्थडे है, और इस बार क्योंकि सदन चल रहा है लोकसभा में, और इस वजह से अखिलेश यादव 4 जुलाई तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता है, इस बार माना जा रहा है कि उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो अपील करते रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि सादगी से मनाएं, लोगों की मदद करके उनका जन्मदिन मनाएं। फिलहाल इस बार क्योंकि एक बड़ी जीत दर्ज की है समाजवादी पार्टी ने, इसलिए माना जा रहा है कि तैयारियां भी बड़ी होंगी। लेकिन इस तरह के पोस्टर समय 2022 के चुनाव में भी देखने को मिले थे, जब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया जाने लगा था, उसके नुकसान भी उठाने पड़े थे। फिलहाल इस बार चुनाव हो चुका है, उसके बाद होर्डिंग्स लगाई गई हैं। कार्यकर्ताओं को लगातार निर्देशित किया जाता है समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि जोशीले जोश में आके कुछ इस तरह का विवादित पोस्टर या होर्डिंग्स पार्टी कार्यालय के बाहर ना लगाए जाए। लेकिन एक तस्वीर जरूर आपको हम बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के जब 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हुआ तो पूरी सड़क, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, सभी होर्डिंग्स मैंने उतार दिए गए थे। लेकिन जीत के बाद अब बधाइयों का सिलसिला ये है कि पूरी समाजवादी पार्टी कार्यालय के काफ़ी दूर तक जो होर्डिंग्स हैं और वो अब जमावड़ा है वहाँ पर, दोनों ओर इतनी होर्डिंग्स लगी हुई हैं कि बधाइयों का सिलसिला रोज नेता देते हैं। फिलहाल जन्मदिन जरूर इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा अखिलेश यादव का। तौकीर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि बड़ी जीत के साथ अखिलेश यादव लौटे हैं यूपी में, तो आपको बता दें कि सपना देखना बेकार नहीं है, सपना तो देखना ही चाहिए, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं, ये पोस्टर लगाकर क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव के जो फैसले रहे हैं गठबंधन के दल के तौर पर, उन्होंने कहीं पर भी अपोज नहीं किया, चाहे चुनाव के पहले चुनाव के बाद जो सहमति थी, जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो भी बात रखी गई उस पर उन्होंने सहमति जताई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो भी बात कहते गए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की लेकर हो, वहाँ पर भी सहमति दिखी। गठबंधन के साथ ही कभी भी सरकार बनाने में उन्होंने भूमिका नहीं अदा की, मतलब उन्होंने कोशिश भी नहीं की। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी उनके इस फैसले के साथ साथ में थे। अखिलेश यादव ने जिस तरह सदन में लोकसभा स्पीकर पे सवाल उठाए, कहीं ना कहीं वही भाषा कांग्रेस की भी थी, यानी कि एक रणनीति के तहत गठबंधन के जो साथी हैं वो नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो दावा है उसमें अखिलेश यादव कहीं से भी अपने आप को फिट नहीं मानते हैं। ये जरूर उन्होंने कहा कि तेज की सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, और इसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका भी है, जो भाजपा को पूर्ण बहुमत से आने से रोका है उसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर सीटें प्लस कर दी जाए भाजपा को तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती है, तो कहीं बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की जरूर है उनकी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने से रोकने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तौकीर किदवई, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि
आप रुख करेंगे अगली खबर की ओर। सिंगौल पर विवाद में मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, क्या कुछ लिखा है आइए देखते हैं। गोल को संसद में लगाना, माफ कीजिएगा, सिंगौल को संसद में लगाना या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए बेहतर होता कि पार्टी देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हित में तथा आम जनहित के मुद्दों को भी लेकर केंद्र सरकार को घेरती है। ये मायावती की ओर से ट्वीट किया गया है, लिखा गया है, जबकि सच्चाई ये है कि पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुपी रहती है तथा सरकार में आकर कमजोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है, इनके महापुरुषों को भी उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहें। बड़ी जानकारी आ रही है बहराई से, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। एक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, बहराई से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये नारा लगाया गया था युवक की ओर से। कोतावली देहात पुलिस ने आरोपी दाऊद को जेल भेजा है। तो ये बहराइच से आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से युवक पुलिस के गिरफ्त में है। फिलहाल कोतावली देहात पुलिस ने आरोपी दाऊद को जेल भेज दिया है। एक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि जेल भी भेज दिया गया है। सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये नारे लगाए गए थे। एक्शन लेते हुए इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भी भेज दिया गया है। तो सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए युवक की ओर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। कोतावली देहात पुलिस ने आरोपी दाऊद को जेल भी भेज दिया है। इस पूरे मामले में एक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि जेल पुलिस ने भेज दिया है। तो बहराइच से आपको एक बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। एक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आपको बता दें कि इसे जेल भी भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।